हमारे पास इतने बिना मानव के बम छोड़ने वाले इतने जहाज हैं, इतने रिमोट कंट्रोल से हमारी मिसाइलें हैं, फलाना है। तो जग का आश्रय लेकर जो काम करते वो राजसी आदमी हैं, उनको मुंह की खानी पड़ती। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, भगवत प्रेरणा के आगे जगत की कोई वस्तु की कीमत नहीं ज्यादा। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। उस हरि को पाने के लिए हरि से प्रीति हो। बोले बाबा जी, इतने लोग मंदिर में जाते, सबको भगवान से प्रीति है तभी तो जाते हैं। नहीं नहीं, भगवान से प्रीति इसलिए नहीं, जगत से प्रीति है और भगवान से वो पूरी कराने को जा रहे। दर्शन करके आता हूं, मेरा धंधा अच्छा चले, नौकरी अच्छी मिले, मेरी तबीयत ठीक रहे, जगत की वस्तुओं की प्राप्ति में जो उलझे हैं रजोगुणी, वो भगवान का उपयोग करते, भगवान से प्रेम नहीं करते। भगवान से प्रेम तो तब होगा जब सत्संग सुनेंगे, भगवान के महात्म्य को सुनेंगे, जगत के पोल को जानेंगे और अपनी असलियत की महिमा सुनेंगे कि जगत की सारी वस्तुएं, सारा धन, सारी सत्ता, सारा सौंदर्य एक व्यक्ति को मिल जाए फिर भी हृदय की तपन और वासना नहीं मिटेगी जब तक सत्संग के द्वारा सत्य स्वरूप का प्रकाश और आनंद नहीं मिलता। तो कितना भी धन मिलो उससे सुखी नहीं होगा, फिर बोतल से सुख लेने जाएगा। बोतल से भी सुख नहीं मिलेगा तो सुंदरी से सुख लेने जाएगा। अपनी सुंदरी से भी सुख नहीं मिला तो फिर औरों की सुंदरियों से कुकर्म करके क्लबों में अपनी औरतें अदल बदल करके या और कुछ करके भी सुख का भिखारी बना रहेगा। प्रभु के दीवानों को दुनवी सुखों की चाह नहीं, दुखों के आगिरे पहाड़ फिर भी हृदय से निकलती आह नहीं, क्योंकि उनको बुद्धि योग मिला है। महाभारत में और भागवत आदि की कथाओं से पता चलता है कि श्री कृष्ण और बलराम का आखिरी जीवन श्री कृष्ण से थोड़ा पृथक हो रहा है, लेकिन अर्जुन का जीवन श्री कृष्ण के जीवन के साथ, समझ के साथ एकाकार होता जा रहा है। तो जितना सत्य के साथ, चित्त के साथ, आनंद के साथ तुम्हारी समझ एक ताल होगी, उतना ही कर्म का बोझा आप पर नहीं लगेगा। कर्म का दोष के दलदल में आप नहीं फंसोगे, वासना के विचित्र दलदल में आप नहीं डूबोगे। मशीन को काम दिया जाता और मनुष्य को ज्ञान दिया जाता, और ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक इंद्रियगत सुख और दूसरा वास्तविक सुख के तरफ ले जाता है। तो इंद्रियां जगत के तरफ का दिखाती, बुद्धि परिणाम को दिखाती है और मन बीच में है। अगर बुद्धि बलवान है तो मन को नियंत्रित करेगी और मन इंद्रियों को नियंत्रित करेगा। जीवन ऊंचे चिंतन से ऊंचे परिणाम और ऊंची यात्रा को पहुंचेगा। अगर बुद्धि कमजोर है तो इंद्रियां मन को खींचेगी, मन बुद्धि को खींचेगा और जीवन नीचे के तरफ जाएगा। इसलिए मनुष्य जीवन का सबसे ज्यादा में ज्यादा हित करने वाला गीता का ज्ञान, सत्संग का ज्ञान है। बिनु सत्संग विवेक न होई, सार क्या है, असार क्या है, अनित्य क्या है, नित्य क्या है, सच्चा सुख और क्या है और नश्वर सुख क्या है। भगवान कहते हैं जो शुरुआत में कठिन लगे बाद में अमृत से भी ऊंचा है उसे अध्यात्म सुख, आत्मिक सुख कहा जाता है। शुरू में बहुत अच्छा लगे, अंत में व्यर्थ से भी व्यर्थ साबित हो वो संसार का सुख है। तो जो कच्ची मति के हैं, अल्प मति के हैं, वे शुरुआत के सुख में फंस जाते हैं, और जो इनको बुद्धि योग मिलता है वे सच्चे सुख के तरफ दृढ़ हो जाते हैं। प्रहलाद सच्चे सुख के तरफ दृढ़ गए
और उसका बाप कच्चे सुख के तरफ हिरण्यकश्यप हुआ। रावण कच्चे सुख के तरफ गया और विभीषण सच्चे सुख के तरफ गए। राम सच्चे सुख में रमण करते और रावण वासना के सुख में भटकने के लिए ये हाल हो गए। तो लाखों वर्ष हो गए फिर भी अब फिर से रावण को नहीं जलाए तो कोई जिंदा होके मारेगा थोड़े अपने को। हर 12 महीने दशहरा को रावण को क्यों जलाना, दे दिया सलाई करना। प्रेरणा मिलती के कच्चे सुख वाला कितना भी बुद्धिमान हो, धनवान हो, सत्तावान हो, एक सिर नहीं 10 सिर हो, 2 भुजा नहीं 20-20 भुजा हो, फिर भी आखिर में इसका ये बुरा हाल है, दे दिया सलाई। इसलिए कच्चे सुख की वासना को पुष्ट न करे, सच्चे सुख के ज्ञान को पुष्ट करे। ये दशहरे का संदेश आम आदमी को मिले। दशहरा 10 इंद्रियों के द्वारा जो हमारी मति गति करने की शक्ति, जानने की शक्ति, मानने की शक्ति हर ली जाती है, उस अविद्या को हर के हम विजयी बने। विजयादशमी तो 3 गुणों से ये व्यवहार चलता हुआ दिखता है, लेकिन तुम्हारा आत्मा इन 3 गुणों के प्रभाव से प्रभावित न हो, तुम इतना बुद्धि योग को ऊंचा कर लो। अगर रजोगुण है तो आपको राग से प्रेरित होकर फिर चाहे भी हो देखा जाएगा ये करूंगा ही, वासना का पक्ष लेगी बुद्धि। लेकिन फिर भी बुद्धि में एक सत्व है कि वो मित्र को छुड़ाया, चोरी में फंसा है, खून में फंसा है, और किसी में फंसा है, आपने छुड़ाने का प्रयत्न किया लेकिन वो न छूटा और सजा मिल गई। आखिर आपको बुद्धि में स्वीकार करती बुद्धि के भाई हकीकत में तो उसने खून किया था, अब क्या करें भाई, देर सवेर भाई कर्म का फल मिलता है, हमने तो बचाने की कोशिश की लेकिन देखो जो जैसा करता है तैसा फल पाता है। चोरी किया तो फंस गया, चोरी किया तो ऐसा हो गया, अब क्या करें, गलती तो उसकी भी है। कभी कभी बुद्धि साथ में, अरे यार क्या करें, आपसे मेरा बोलचाल हो गया, देखो उस दिन तो मैं गुस्से में था, जरा मेरी मति ऐसी थी, भैया माफ कर देना। दिवाली के दिनों में गले लगे हाथ मिला, भैया देखो उस दिन जरा तू तो नहीं 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 कोई बात नहीं, उस दिन कोई बात नहीं, नहीं उस दिन तो उसने भी आंखें दिखाई, उसने भी चेहरे से कहा कि हम भी देख लेंगे, लेकिन अभी बुद्धि थोड़ी सात्विक हुई है, चलो दिवाली आई है, पर्व आया ये है, ऐसे करके मिले। तो आप इस दिवाली को ऐसे मनाएंगे जैसे ऋषि मुनि चाहते हैं। दिवाली में 4 काम किए जाते हैं, कितने 4 काम। एक तो घर की, दुकान की, ऑफिस की, फैक्ट्री की साफ सफाई, मोहल्ले मत्ते की साफ सफाई की जाती, ठीक है बात हा? दिवाली के दिनों में साफ सफाई की जाती है कि बारिश के मौसम में जो जीवाणु हो, परमाणु हो, फूग आ गई हो, बीमारियों के कण हो, सारे निकल जाए। सर्दियों के मौसम में स्वस्थ जीवन बनाने के लिए पहले गंदगी हटा दी जाए। जैसे वैद्य लोग स्वस्थ बनाने के लिए जुलाब बुलाब देके वसंत ऋतु में पित्त और कफ का कचरा निकलवा के बाद में रसायन बसायन देते या च्यवनप्राश खाने को बोलते, तो च्यवनप्राश खाते तो उसका चमत्कार हो जाता और बाल काले, नए बाल आने लग जाते। मेरे को नए बाल आने लग गए, 12 महीना खाता हूँ और च्यवनप्राश बाजार का बना हुआ नहीं, अपने लीलाशाह औषध निर्माण का 34 औषधियों में उबलते हैं आंवले और दूसरी 22-24 चीजें उसमें डाली जाती है, उसमें चांदी के भस्म में भी डालते हैं या और कुछ भी डालते हैं, बहुत सारी चीजें डालते हैं।